हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है भारत की विरासत। भारत की विरासत, सबसे पहले हम विरासत, विरासत क्या होता है बेटा? तो विरासत होता है पूर्वजों की देन, यानी कि हमारे जो पूर्वज हमें जो देते हैं वो हमें क्या कहलाता है? विरासत कहलाता है। तो आज इस अध्याय के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे भारत की विरासत कौन कौन सी है, प्राकृतिक विरासत कौन सी है, सांस्कृतिक विरासत कौन सी है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्याय करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है। भारत के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में भारत के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया है? उत्तर यत्र समुद्रस्य हिमान्द्रस्य चैव दक्षिणम् वर्ष तद भारत नाम भारती यत संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण स्थित स्थल का नाम क्या है? भारतवर्ष है, जिसकी संतान कौन है? भारती। भारत में शुभ कार्य के प्रारंभ में लिए जाने वाले संकल्पों में भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त जैसे शब्दों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बेटा, हम भारत के नक्शे में देखते हैं ना कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन तीनों ही दिशाएं जो है वहाँ पर क्या है? समुद्र फैला हुआ, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर फैला हुआ या नहीं फैला? उत्तर दिशा में हिमालय की गिरमाला जैसी प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। भारत के उत्तर में क्या है? बड़ी बड़ी पर्वतमालाएँ, हिमालय पर्वतमाला है। हमारा देश भी समृद्धि से आकर्षित होकर अनेक विदेशी लोग व्यापार करने भारत आए, स्थायी हुए और भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए। हमारे भारत देश में अलग अलग देश वाले लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने क्या किया? अपना स्थायित्व बनाया। इस आदान प्रदान के परस्पर प्रक्रिया द्वारा देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिले और इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी विरासत का स्थानांतरण हुआ तथा उसका सत्यपूर्ण विकास हुआ। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में जाना बेटा? भारत देश के बारे में, कि हमारे भारत देश के पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी तट पर क्या है? समुद्र है और उत्तरी तरफ क्या है? हिमालय। और हमारा भारत देश कैसा है? संस्कृति वाला देश है। भारत का स्थान और विस्तार, हमारा भारत का स्थान कौन सा है विश्व में और कितने भौगोलिक विस्तार में फैला हुआ है, जिसके बारे में हमने कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। प्राचीन समय में भारत बहुत ही विशाल था और वर्तमान समय में भारत के विस्तार की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान कौन सा है? 7वें नंबर पर। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। आपसे पूछा जाता है कि विश्व में भारत का स्थान 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वैविध्यपूर्ण विरासत। भारत भूमि में ने हमें और विश्व को समृद्ध विविधतापूर्ण विरासत दी। हमारी भारत भूमि ने हमें क्या दी है? विविधतापूर्ण विरासत दी है। भारतीय संस्कृति शांति प्रिय और व्यापारिक रही है। भारत की संस्कृति में सचित और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। इसके उपरांत यहाँ आकर बसी भिन्न भिन्न संस्कृति के साथ आदान प्रदान द्वारा भारतीय संस्कृति क्या हुई है? समृद्ध बनी है। आपको पता है, आपने पढ़ा भी था कक्षा 9th के अंदर कि कैसे भारत के अंदर यूरोपीय प्रजा का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। उसके द्वारा अपनाए गए अहिंसा शांति के मूल्य की आज समुद्र विश्व में क्या है? प्रशंसा हो रही है। आपको पता है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर किसकी? हमारे भारत देश की क्या होती है? प्रशंसा होती है। सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति और कला कौशल द्वारा समृद्ध बनाया है। भारत के भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अनेक ऋषि, मुनियों, संतों, विदेशियों, विद्वानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, शोधक, साहित्य, शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिक
इतिहासकार, समाज सुधारक वगैरह बहुत इनका क्या रहा है बेटा, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कहने का मतलब भारत देश में इन सबका अपना एक अमूल्य योगदान रहा है। अनेक धर्म, शासन प्रणाली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनवा और रीति रिवाज आदि भी भारत को मिले हैं। इस तरह भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ है। हमारा भारत देश आप सभी को पता है ना क्या है, विविधता में एकता का प्रतीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे संस्कृति। संस्कृति अर्थात क्या? संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? जीवन जीने की कला, यानी कि हमारे जो जीने का तरीका है वही हमारे क्या है, संस्कृति को प्रदर्शित करता है। देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोग के अनुसार जनजीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक नीति रीति इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज और उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपरा, रहन सहन और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का योग ऐसा भी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा धर्म, ये सारी चीज़ें जो क्या बताती है, हमारी संस्कृति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे आज अगर हम विश्व में कहीं पर भी चले जाते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो हमारी भाषा के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे कपड़ों के द्वारा, है ना, क्या पता चल जाता है? यस, ये पता चलता है कि हम क्या है, इंडियन है, यानी कि भारतीय है। तो संस्कृति क्या बताती है? संस्कृति जीवन जीने की कला बताती है। आइए अब हम जानेंगे भारतीय संस्कृति की विरासत। विरासत अर्थात हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट, यानी कि हमारे पूर्वज जो हमें दे गए वो अमूल्य भेंट है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आपके पापा है, राइट, पापा के पापा, दादाजी, दादाजी के पापा, है ना, बड़े दादाजी, तो बड़े दादाजी के भी पापा, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उनको आप देख सकते हो ज़मीन दे हो सकता है या फिर सोना चांदी, इस तरह से वो क्या देते हैं, उनको किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ देते या नहीं देते, तो ये क्या कहलाता है, विरासत। तो विरासत अर्थात क्या हुआ, पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट। हमारे जो पूर्वज होते उनके द्वारा जो दिया गया है वही हमें किस रूप में मिला है, विरासत के रूप में। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। विद्यालय में ली जाने वाली दैनिक प्रतिज्ञा में हम कहते हैं ना, मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी स्मृति और बहुविध परंपरा पर मुझे गर्व है, ऐसा कहते हैं। कहते या नहीं कहते हम? यह समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन ऐसा कहा जा सकता। आइए भारतीय विरासत को कितने भागों में बांटा है, तो भारतीय विरासत को हमने यहाँ पर हम देखेंगे दो भागों में बांटा है। पहला है भारत की प्राकृतिक विरासत और भारत की सांस्कृतिक विरासत। तो भारत को कितने भागों में विरासत में बांटा गया है, दो भागों में, एक तो प्राकृतिक है और एक कौन सी है, सांस्कृतिक। तो भारत की प्राकृतिक विरासत के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमें विरासत के रूप में क्या क्या चीज़ें मिली। प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के निकटतम संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। यानी कि हमें जो प्रकृति से प्राप्त होता है तो वो विरासत कौन सी कहलाती है, प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत प्रकृति की भेंट है। प्रकृति की क्या है, हमें भेंट के रूप में मिला, मतलब हमें जो प्रकृति से मिला है। भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है, जिसमें ऊंचे पर्वत, नदियाँ, झरने, सागर, लंबे समुद्री तट और विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है, तथा वृक्षों, वनस्पति, जीव जंतु, ऋतुओं, पशु पक्षी, प्राणी और विविध भूदृश्यों, विविध प्रकार के चट्टानों, खनिजों का भी यहाँ पर क्या हुआ है, समावेश हुआ है। हम सब प्रकृति की क्या है, संतान। प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी,
शुद्ध वायु और निवास जैसे लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सुंदर क्या कर रखी है, व्यवस्था की है। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के द्वारा क्या मिला हुआ, एक अमूल्य भेंट मिला हुआ है, जिसमें हमें खाना पीना शुद्ध वायु ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती। प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, जिसके उदाहरण पंचतंत्र की कहानी और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में मिलते हैं। अपने लोक संगीत शास्त्रीय संगीत में भी ऋतुओं और प्रकृति के साथ साथ का संबंध देखने को मिलता है। हमें हमारी प्रकृति के साथ कैसा रहना चाहिए, एकदम सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने गीतों त्योहारों कविता चित्रों में आदि में हमने किसके बारे में देखा है, प्रकृति के बारे में देखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप से हमें क्या क्या मिला है। प्रकृति प्राकृतिक विरासत के रूप में, नदी प्राकृतिक विरासत के रूप में कैसे, वनस्पति जन और वन्य जीव। भूदृश्य भूमि आकारों द्वारा अनेक भूदृश्यों का सृजन देखने को मिलता है, जैसे हिमालय पर्वत भूमि आकार है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति खनिज अद्भुत पशु पक्षी और शिखर बर्फ से घिरे रहते हैं, जिनसे बड़ी नदियाँ बारह मास भरपूर पानी से समृद्ध रहती है। तराई के जंगल भी वहाँ पर स्थित हैं। हिमालय में अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल, नंदा देवी जैसे शिखर भी है। भारत के लिए हिमालय बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या है बेटा, विरासत के रूप में मिला। अगर आज ये नहीं होता तो आप सोचो कितनी सारी चीज़ें वो हो सकती है ना। हमें हमारा भूदृश्य कहाँ से मिला है, विरासत के रूप में मिला। अन्य देशों के अंदर आप देखोगे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन भारत देश के अंदर क्या है, विशाल मात्रा में भूदृश्य क्या है, फैला हुआ है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे बेटा नदी। प्राचीन काल से नदियों से हमें क्या मिलता है, प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी है। आप लोगों ने पढ़ा था ना कक्षा नाइन्थ के अंदर क्या पढ़ा था कि यूरोपीय लोग जब भारत के अंदर आगमन करते हैं तब स्थल मार्ग बंद हो जाते हैं, तो कौन से मार्ग से आते हैं, जल मार्ग से आते हैं ना। तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से नदियाँ एक प्राकृतिक मार्ग के रूप में बहुत ही उपयोगी रही है। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे क्या हुई है, विकसित हुई है। सिंधु गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सारी हमारे भारत की क्या है, प्रसिद्ध नदियाँ हैं। सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर गहरा क्या किया है, प्रभाव डाला है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई मतलब बेटा कृषि में क्या, फसलों में क्या पानी पहुंचाना, बिजली कृषि जलमार्ग जैसी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए नदियों का स्थान क्या रहा है, आदिकाल से ही प्रमुख रहा है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन मकान लिपाई पोताई उद्योगों के विकास के लिए भी नदियों का पानी बहुत ही क्या रहा है, उपयोगी रहा है। इस तरह नदियों में भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट की उषा और संध्या के विविध भूदृश्य द्वारा भरपूर सौंदर्य कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति की विरासत से मिला है। इसलिए नदियों को क्या कहा जाता है, लोक माता के नाम से सम्मान दिया जाता है। आपको समझ में आ रहा है बेटा कि कहीं ना कहीं हमें हमारे भारत देश को क्या हुआ है, प्रकृति के द्वारा बहुत ही अमूल्य भेंट क्या हुई है, प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे वनस्पति जीवन के द्वारा भारतीय प्रजा आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रही। आप लोगों को पता है आदिकाल से ही हमारे भारत देश में ऋषि मुनि साधु संत सभी रहे हुए हैं और सभी क्या है, पर्यावरण प्रेमी, यानी कि पर्यावरण से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेम, जिसका प्रमाण उसका वृक्ष प्रेम पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति क्या है, आदर। मनुष्य प्राणी पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर क्या है, आधारित। भारत में बरगद पीपल की तुलसी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, धूप दान किया जाता है। वट सावित्री व्रत पे बरगद की पूजा की जाती है। अनाज दलहन तेलहन के पौधों का भी क्या करते, लहराते हुए खेतों के लिए
जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों की अति प्राचीन काल से ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाया। कहने का अर्थ यह है कि अभी से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में वृक्षों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। हरा हरड़, बहरा बहेड़ा, आंवला, गिंग कुंवर, अड़ूसा, नीम आदि औषधियों तथा मोगर, गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही आदि पुष्पों ने मानव जीवन को खूब सुंदर और सुव्यवस्थित, निरामय, समृद्ध बनाया है। तो इस तरह से देखा बेटा, वनस्पति जीवन भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे बेटा वन्य जीव। प्राचीन समय से भारत देश प्रकृति के प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला देश रहा है। हमारे भारत देश में क्या होता है, पशुओं को, प्राणियों को भी क्या किया जाता है, उतना ही क्या किया जाता है, प्रेम किया जाता है। जैसे बाघ, सिंह, हाथी, गैंडा, सियार, भालू, हिरण, सांभर, खरगोश, अजगर, सांप, नेवला, नेवल, गोस, साही जैसे अनेक जीव हमारे का देखने को मिलते हैं, भारत देश के अंदर देखने को मिलते हैं। विश्व में एशिया से केवल गुजरात के गिर जंगल में ही देखने को मिलते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन्य जीवों को देवी देवताओं के क्या माना है, वाहन के स्थान पर दिया गया है। अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में वे चार सिंह, घोड़ा, हाथी तथा बैल की आकृति रखकर उन्होंने महत्व प्रदान किया है। इन वन्य जीवों की रक्षा के लिए अभयारण्य बनाकर उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, भारत की प्राकृतिक विरासत, के प्राकृतिक विरासत से हमें क्या क्या मिला है और इनका प्राचीन समय से लगाकर वर्तमान समय तक कैसा योगदान रहा है और इन सारे वजह के कारण से आज भी हमारा भारत देश विश्व के अन्य देशों की तुलना में क्या है, एक संस्कृति वाला और समृद्ध देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, प्राकृतिक विरासत के रूप में हमने क्या देखा, भूदृश्य देखा, नदियाँ देखे, वनस्पति देखे और वन्य जीवों के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत की सांस्कृतिक विरासत, वो तो कौन सी विरासत थी, प्राकृतिक। भारत ने जगत को विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत की भेंट दी है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत, देखो बेटा, एक तो प्रकृति से जो प्राप्त होता है ना, जो गॉड गिफ्टेड है, मतलब जो गॉड के थ्रू दिया गया है, वो तो हमारे लिए प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है वो कैसी कहलाएगी, मानव सर्जित विरासत। जैसे अगर हम बात करते हैं, राइट, हम गुजरात राज्य में रहते हैं, तो गुजरात राज्य में ऐसे बहुत सारे भव्य मंदिर है, स्मारक है ना, बहुत सारी मस्जिदें हैं। तो ये हमें किसके रूप में मिले, मानव सर्जित विरासत के रूप में मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ और ये बनाने वाले कौन थे, मानव। और इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है कि आज से ईसा पूर्व, इतने पूर्व में क्या हुआ करता था। आया समझ में? तो सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत, मनुष्य ने अपनी बुद्धिचर्या, कौशल, कला कौशल द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया है, जिसका सर्जन किया है, उसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण कौन है, मानव की द्वारा बनाई गई चीजें। आर्यों से लेकर शक, सत्रप, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रांस आदि विविध जाति प्रजाति भारत में आई और इन सबके बीच में हुए आदान प्रदान से भारत ने संस्कृति समृद्ध बनी। प्राग ऐतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी भेंट दिए। उदाहरण स्वरूप, शिल्प स्थापत्य की कला लगभग 5000 वर्ष प्राचीन, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की क्या की गई है, गणना की जा सकी। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्पों, पशुओं और खिलौनों, दाढ़ी वाले पुरुष तथा शिल्प व नर्तकी की मूर्तियां देखकर हमारे मन में हमारी संस्कृति विरासत के स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती है। देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक स्थापत्य कला का उदाहरण है जो कि आज से लगभग
5000 ईस्वी पूर्व क्या किया गया था, बनाया गया था, जिसमें देखो क्या बताया गया, दाढ़ी वाले पुरुष की यहाँ पर क्या की गई है, शिल्प को तैयार किया गया। ये एक क्या है, सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है। सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती। इसी क्रम में मौर्य युग ने उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सीय वृषभ का शिल्प और बौद्ध की प्रगा पारमिता का शिल्प, सारनाथ की धर्म चक्र प्रबंधन वाली महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद समय काल के जैन तीर्थकार को की प्रतिमा, राष्ट्रकूट राजाओं के समय इलोरा अजंता की गुफा को देखकर हमें अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति क्या होता है, आदर, गर्व का क्या होता है, अनुभव होता है। समझ में आया आपको बेटा कि जो अभी तक हमारे यहाँ पर बने हुए तीर्थकार है, स्मारक है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, ये सभी हमें क्या, एक गर्व और एक आदर का अनुभव कराते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासतों में मंदिर, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुप्तों, राजमहलों, दरवाजे, इमारतें, उत्संग किए गए स्थलों व ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। अपने स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों जैसे साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली वगैरह को भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणितीय, पंचांग, खगोल शास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, रथ, राजनीतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण संरक्षण आदि कई महत्वपूर्ण खोज हमारे भारत में हुई है। तो यहाँ पर आज के इस अध्याय में हमने जाना कि भारत में क्या है, हमें विरासत के द्वारा अमूल्य भेंट प्राप्त हुई है, जो यहाँ पर हमने देखा प्राकृतिक विरासत के रूप में और सांस्कृतिक विरासत के रूप में। अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे गुजरात की सांस्कृतिक विरासत, कि गुजरात में मानव सर्जित विरासत कौन कौन सी है और हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें क्या अमूल्य भेंट के रूप में दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।